नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि किसी भी बर्ड फाइल में लॉक कैसे लगाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमारा सीक्रेट होता है जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी को दिखाएं, तो इसको हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे सिंपली ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया है, अब इसको हम एक पासवर्ड देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ जब हम ही खोलें तब ये ओपन हो, अदरवाइज कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मेन्यू बार में यहाँ पे सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बर्ड पे क्लिक कर दें। जैसे ही बर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे हम डालते हैं सिक्योर सिक्योर बर्ड फाइल, ये नाम दे दिया हमने। यहाँ पे नीचे गए टूल में, यहाँ पे आप जनरल ऑप्शन में देखेंगे तो जनरल ऑप्शन में एक दे रहा है फाइल इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पासवर्ड ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड देना होगा, जैसे मैंने दे दिया 89898 3 times 89 दे दिया। अगर आपको एक मॉडिफाई का पासवर्ड, ये ओपन का पासवर्ड है, अगर आप सेम रखते हैं तो ठीक है, अगर सिर्फ व्यू कराना चाहते हैं किसी को तो आप पासवर्ड दे सकते हैं, वो सिर्फ देख पाएगा, उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। अगर मॉडिफाई का पासवर्ड अलग रखते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है दोनों में सेम 89898 9, यहाँ पर ओके कर दिया। एक बार पासवर्ड री एंटर मांग रहा है तो मैंने यहाँ पर भी फिल कर दिया, एक बार कंफर्म पासवर्ड 898989, यहाँ से सेव कर देंगे। अब इस फाइल को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज कर दिया, ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। देखिए जो नाम दिया था हमने सिक्योर बर्ड फाइल का, इसको ओपन किए करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। देखिए ओपन होने से पहले इसको एक पासवर्ड की ज़रूरत है जो हमने फिल किया था, तो इसमें हम पासवर्ड वही अगर कोई भी ऐसे पासवर्ड डालते हैं तो ये ओपन नहीं होगी, एरर आएगी। अगर हम सेम वही पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको पुट करेंगे तो खुल जाएगी, देख पाता हूँ मैं। देखिए पासवर्ड मांग रही है 89898 9, एंटर किया एक बार और। अब आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।